गैल गैजेट सही मायने में एक वंडर वुमन है दोस्तों। आइए जानते हैं कैसे। वीडियो अंत तक देखिएगा तब आप भी मानने लगेंगे कि गैल गैजेट एक वंडर वुमन ही है। गैजेट का जन्म इसराइल के पैटा टिकवा में हुआ था और वो इसके पड़ोसी शहर रोश हायन में पली बढ़ी। हिब्रू में उनके नाम का मतलब है लहर और उपनाम का अर्थ है नदी का किनारा। उनकी माँ एक शिक्षक और उनके पिता माइकल एक इंजीनियर हैं। Hey, you think she's anything like Wonder Woman in real life? He has a legit military background. Gal Gadot का एक military background है। 20 साल की आयु में Gal Gadot ने एक भर्ती सैनिक के रूप में इजराइल सुरक्षा बल में कॉम्बैट ट्रेनर रहते हुए 2 वर्षों तक अपनी सेवाएं प्रदान की। सेना में अपने बिताए हुए समय के बारे में वो कहती हैं, आप 2 या 3 साल दीजिए और आप अनुशासन और आदर सीख सकते हैं। जैसा कि वो स्वयं कहती हैं, And I was a soldier back in the IDF. I was a combat instructor and it was very intensive, very physical and was one hell of a Gal Gadot ने इजराइल में सभी के लिए जरूरी सैन्य अभ्यास के दौरान क्रैव मैगा नाम के 2 टेक्निक में ट्रेनिंग लेकर महारत हासिल की, जो मार्शल आर्ट का एक बहुत ही कारगर पैटर्न में गिना जाता है। अपने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, Donald Trump, right? Just show me hair. On a doll where he touched you. So, I'm Israeli, we go to the military, right? Yeah, yeah, yeah. No problem, a guy and everything. Gal Gadot के एक्सेंट मतलब बोलचाल का लहजा पूरी तरह एक विदेशी की तरह है, इसलिए वो वंडर वुमन के लिए पूरी तरह से फिट थी, क्योंकि वंडर वुमन डायना एक ऐसे द्वीप की निवासी है जो पूरी दुनिया से अलग थलग रहता है, इसलिए उनकी आवाज़ फिल्म में फिट बैठ गया। जैसा कि वो स्वयं कहती हैं, okay, yes, I know, I have an accent. Obviously, I'm not from here. That's right. होने के साथ साथ एक खास करिश्माई एहसास है जिसे किसी स्कूल या ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ाया नहीं जा सकता, और इनमें दोनों पहलू समाये हुए हैं जो अपने आप में इन्हें खास बनाता है। यही कारण है कि गैल गैडेट 2004 में एक टीनेजर रहते हुए मिस इसराइल भी बनी, पर ब्यूटी क्वीन का लाइफ स्टाइल इन्हें अपने निजी जीवन में कभी आसक्त नहीं कर सका, इसलिए उन्होंने मिस यूनिवर्स के रेस से हिस्सा ही नहीं लिया क्योंकि उन्हें मेकअप पसंद नहीं था। ना केवल खूबसूरती बल्कि वो बहुत ही स्मार्ट भी है। सन 2014 जब वो केवल एक टीनेजर थी, उस उम्र में मिस इजराइल बनने के बाद भी उन्हें स्टारडम रास नहीं आया और उन्होंने मिस यूनिवर्स में भाग ही नहीं लिया क्योंकि उन्हें मेकअप पसंद नहीं था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, To Miss Universe, so I came down late. I wasn't wearing the evening gowns. I didn't wear any makeup. I was being naughty. गैडेट ने फिल्मों में आने से पहले पॉलिटिकल साइंस और कानून की पढ़ाई की। एक बार जब उनसे पूछा गया कि अगर आप फिल्मों में हिट नहीं हो पाई तो क्या करेंगी, उन्होंने क्या कहा सुनिए। I studied law. Okay. Yeah. उन्होंने काफी सारे एक्शन सीन भी खुद दी किए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, उन्हें लगभग सभी तरह के हथियारों की में महारत हासिल है। यही खूबी उनकी कास्टिंग डायरेक्टर को बहुत पसंद आई और गैडेट ने फास्ट एंड फ्यूरियस 5 और 6 के अपने स्टंट खुद किए। The craziest stunt I've ever done was I jumped from a driving motorbike onto a jeep. आपको शायद जानकर बहुत हैरानी होगी कि गैडेट फिल्म के दौरान प्रेग्नेंट थी, हाँ, और उनके टमी को छिपाने के लिए हरा ट्रायंगल लगाया गया था ताकि उसे बाद में एडिट किया जा सके। गैडेट 5 महीने के गर्भ से थी जब उन्होंने जस्टिस लीग के लिए रीशूट किया था। इसके बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा,
and painted green. And I came to work. Me and Maya, we came to work together. वो हमेशा दूसरों के साथ खड़ी रही. जब उनका रोल छीनकर किसी और को दे दिया गया था, वो बच्चों के लिए भी, खासकर लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल है. वो वाकई में नए जमाने की वंडर वुमेन है इस न्यू जनरेशन के लिए. धन्यवाद. अगर आप लोगों को मेरी छोटी सी कोशिश, और जाते जाते दोस्तों, अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं और तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. धन्यवाद.